हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूमीज़ म्यूज़िक कुकिंग एंड क्राफ्ट। आज मैं 3 DIY बनाऊंगी सेंटर टेबल को डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ़ोटो फ्रेम, ग्लू चाहिए फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर है, कुछ आर्टिफिशियल पत्ते हैं, और एक येलो पेपर चाहिए, सीज़र चाहिए, ये मोटा वाला रोप चाहिए, और ये स्टार्स है कुछ, ये भी यूज़ करेंगे, और चाहिए हमें ये क्राफ्ट वाला जो थ्रेड है ये चाहिए, और 2 मैंने ग्लासेस यहाँ पे रख दिया है। तो ये एक बड़ा साइज़ का ग्लास मैंने यहाँ पे ले लिया है और एक छोटा साइज़ का ग्लास ले लिया है। सबसे पहले फोटो फ्रेम के जो ये कांच है इसके साइज़ का एक येलो पेपर काट लेना है। येलो पेपर मैंने काट लिया है। अब ये जो फूल है इसके पीछे से जो थोड़ा सा प्लास्टिक एक्स्ट्रा रहता है उसको मैंने काट दिया है। तो यहाँ पे ग्लू लगा के और इसे सेट कर देना है। अब पत्ते में भी थोड़ा सा ग्लू लगा के और इसे सेट कर देना है। और एक पत्ते को थोड़ा सा ऊपर में सेट कर देंगे। इसके ऊपर मैंने ये जो ग्लास है इसको रख दिया है। अब इसको फोटो फ्रेम में सेट कर देना है। तो ये मैंने सेट कर दिया है। अब जो मोटा वाला रोप लिया था इसे मैंने 2 पीसेस में काट लिया है और इससे 2 हैंडल के तरह इसे दोनों साइड में ऐसे लगा देना है। तो ग्लू से मैं पीछे के साइड में इसे चिपका दूंगी। पहले थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है, अब इसके ऊपर टेप लगा के इसे सेट कर देना है। दोनों साइड में मैंने टेप और ग्लू से सेट कर दिया इसे। तो ये एक डेकोरेटिव ट्रे की तरह बन गया है। बड़ा वाला एक ग्लास ले लिया है और इस पे थोड़ा सा ग्लू लगा के और ये जो थ्रेड है क्राफ्ट वाला इसे सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर का थ्रेड ले लिया है, इसे सेट करूँगी। ये मैंने 5 लाइंस इसमें येलो कलर का जो थ्रेड है इसे मैंने सेट कर दिया है। अब ऐसे ही 5 लाइंस मैं स्काई कलर का जो थ्रेड है इसे सेट करूंगी इसके ठीक ऊपर। इसके ठीक नीचे भी स्काई कलर से 5 लाइन ऐसे लगा देंगे। ऊपर में भी मैंने स्काई और येलो से थोड़ा सा बॉर्डरिंग कर दिया है और नीचे में भी थोड़ा सा स्काई और येलो से बॉर्डरिंग कर दिया है। अब जो ये वाला नीचे का जो ब्लैंक पोर्शन है इसमें ग्लू लगा देंगे और इसमें स्टार्स भर देंगे। ये मैंने ग्लू से इसे भर दिया है। अब इसमें ये जो स्टार्स है इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। तो ये देखिए मैंने ऊपर में भी इस जो ग्लू लगा के और स्टार्स को भर दिया है। तो ये ग्लास बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये मैंने दूसरा ग्लास ले लिया है और इसको स्काई येलो एंड ग्रीन से मैं बॉर्डरिंग करूँगी। तो पहले इसे ग्लू से बॉर्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ तक ले आने के बाद इससे आप ग्लू लगा के थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। तो ऐसे करके इसे ले आके इधर तक ऐसे लाना है। तो पहले इसे ग्लू से सेट कर देती हूँ। तो ये मैंने सेट कर दिया है। अब ये जो 3 कलर को इकट्ठा मिला के ये जो धागा है इससे ऐसे गोल राउंड बना लेंगे। ये मैंने बना लिया है। अब इसे सामने इसको सेट कर देना है। तो ये मैंने इसे सामने लगा दिया है। अब इसके ऊपर ग्लू डाल के और स्टार डाल देंगे। पूरे ग्लास के ऊपर मैंने ग्लू लगा दिया है और इस पे मैं ग्रीन और येलो 2 तरीके का जो स्टार्स है इसे मैं डालूंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा येलो कलर के भी स्टार्स डाल देंगे। सेम ग्रीन ग्लास के तरह छोटे साइज के एक ग्लास को भी मैंने डेकोरेट कर लिया है ग्रीन और येलो स्टार्स से। और ये तीनों ग्लासेस को मैंने सेंटर टेबल के ऊपर जो ट्रे बनाई उसी के ऊपर रख दिया है। तो कितना खूबसूरत दिख रहा है आप खुद ही देखिए। और ये जो येलो कलर के ग्लास के ऊपर येलो फ्लावर रखा है इसका भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये भी मेरा DIY है तो आप इसको भी देख के बना सकते हैं। और अगर फ्लावर नहीं भी बनाएंगे तब भी आप तीनों ग्लासेस में कैंडल भी जला सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा।
और मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिए, तो मैं जो न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।